बामियान के बुद्धा कौन थे? सबसे पहले जानते हैं कि बामियान कहां पर है। बामियान अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धा की स्टैचू हुआ करती थी, जो कि टॉलर बुद्धा की स्टैचू की हाइट 180 फीट थी एंड स्मॉलर बुद्धा की हाइट 130 फीट थी। अगर आज हम बामियान चले जाएंगे तो हमें ये दोनों स्टैचू नहीं मिलेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कहां गए ये दो स्टैचू? आज से 20 इयर्स पहले मार्च 2001 में तालिबान ने इन दोनों स्टैचूज को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट इज दिस अबाउट। सो इसे बोला जाता है बुद्धा ऑफ बामियान। सो बामियान ये जगह का नाम है। इसका कंस्ट्रक्शन 6th सेंचुरी के अराउंड में हुआ था। इट मींस दैट आज से 1400 साल पुरानी ये स्टैचूज हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग, स्मॉलर बुद्धा स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 570 AD में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, स्मॉलर बुद्धा का स्टैचू का नाम शमामम था और लार्जर बुद्धा का स्टैचू का नाम सलसल था। आफ्टर विच तालिबान ने ये डायरेक्शन दिया था टू डिस्ट्रॉय बुद्धाज इमेजेस, ताकि ये एक मोटिवेशन दे पाए टू द एक्सट्रीम आइकनोक्लास्टिक कैंपेन को। सो क्या है ये आइकनोक्लास्टिक? बेसिकली आइकनोक्लास्टिक एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आइकन्स की वर्शिप नहीं की जाती। इन द कल्चर ऑफ इस्लाम बेसिकली भगवान के स्टैचूज के वर्शिप को ब्लास्फेमी कंसिडर करा जाता है, जिससे ये एक मूवमेंट की तरह फॉरवर्ड हुआ। बिकॉज इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 1990s में, जब तालिबान ने मोस्ट ऑफ द एरिया को कवर किया था एंड शरिया रूल को अप्लाई किया इन अफगानिस्तान। अंडर दिस रूल पब्लिक एग्जीक्यूशन, वुमेन्स को स्कूल जाना अलाउड नहीं था एंड एक्सेट्रा। मुल्ला ओमर अब्दुल ने टारगेट किया था बुद्धा के स्टैचूज को कि इसे अब डिस्ट्रॉय करना है, और इस डिस्ट्रक्शन का स्टेटमेंट ये दिया वेस्टर्न कंट्रीज को, जो कि फंड रेज करती थी ऑन प्रोटेक्टिंग दीज इमेजेस, विच दे फाउंड टू बी रॉन्ग। बल्कि इस फंड को वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यूज करना चाहिए टू द पीपल ऑफ अफगान। इस डिस्ट्रक्शन के बाद भी बामियान इज स्टिल फेमस फॉर द स्टैचूज ऑफ बुद्धा, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड हिस्ट्री ऑलवेज रिमेम्बर बामियान फॉर द स्टैचूज ऑफ बुद्धा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा।